Guys, today we are going towards farm. ये एक अलग सेक्टर है, ये कह सकते हैं कि पाउडर्ड या फिर पैकेट मिल्क सेक्टर अलग होता है और फार्म फ्रेश मिल्क सेक्टर अलग होता है। आज मौसम बहुत बढ़िया है। मतलब देसी गाय के दूध का बना हुआ पनीर भी है एंड बिलौना प्रक्रिया से बना हुआ हमारा घी भी। तो मतलब सुबह और शाम में दूध निकलता है, शाम का दूध ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे पुराना है। सुबह वाला दूध 18 घंटे पुराना है या 20 घंटे कैसे? 20 घंटे। तो एवरेज आप 18-20 घंटे के अंदर ही दूध आपके डिलीवर होता है। तो गाइस आज आपको हम फार्म का दर्शन कराते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विंकल स्पार्कलिंग व्लॉग्स। ये सिद्धांत विनोद, क्या हाल है मालिक आपके? ऑल गुड सर। गाइस टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स फार्म। अपनी मिल्क्स के ओनर हैं, वो इंट्रोड्यूस कराएंगे बफलोज और काउस से कि कौन से ब्रीड की बफलोज और काउस हैं जिनका मिल्क लखनऊ में सप्लाई किया जा रहा है, कि कहां कहां लखनऊ में किस किस एरिया में सप्लाई करते हैं और क्या चार्जेस वगैरह क्या है दूध के। 2 साल हो गए देसी गाय का दूध और बफलो मिल्क, ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे जिनमें हम होम डिलीवरी करते हैं। बफलो मिल्क 66 रुपीज़ लीटर है एंड देसी काउ ए2 मिल्क 64 रुपीज़। सो गाइस अगर मंदाकिनी मिल्क्स की बात की जाए तो ये लखनऊ से कुछ आई सपोज कितना 30 किलोमीटर बाराबंकी साइड से छोटा है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पड़ता है। फार्म फ्रेश मिल्क एक्सपेंसिव होता है इसलिए इसकी जेंट्री भी कम होती है, इसको प्रेफर करने वाले लोग भी कम होते हैं, बट धीरे धीरे इट्स एवॉल्विंग, लोगों को बताया जा रहा है। करंटली वी आर सेलिंग नियरली 700 लीटर पर डे, होम डिलीवरी डिलीवरी है एंड थिंग्स आर गोइंग वेल। देख रहे हैं कैसे जाते हैं। पहले हम ग्लास बॉटल पैकेजिंग में ही इसको इंट्रोड्यूस किए थे, बट फिर धीरे धीरे जब हमें लगा कि कॉस्टिंग फैक्टर बहुत बढ़ रहा है, कस्टमर का ही कह सकते हैं बर्डन कम करने के लिए हम इसको पैकेट मिल्क पे ले आए। आपको मिलेगा एकदम फ्रेश फार्म मिल्क, मतलब देसी गाय के दूध का बना हुआ पनीर भी है, बिलौना प्रक्रिया से बना हुआ हमारा घी भी है। बिलौना प्रक्रिया विधि ये कह सकते हैं, तो पहले ज़माने में दही को मथ के बनाया जाता था, उसमें मक्खन ऊपर आता था और छाछ नीचे रह जाते थे। घी बनाते हैं बिलौना। पनीर का वैसे क्या रेट है? पनीर इज करेंटली सेलिंग एट 400 रुपीज़ अभी। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं मंदाकिनी मिल्क। से हाय टू आवर व्यूअर्स, क्या कहना चाहेंगे आप जल्दी जल्दी? सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया। सो ये कितने टाइम पहले आपने ये फार्म बनाया है यहाँ पे, मतलब इसके बारे में थोड़ा इतिहास क्या है अपना, दूध से आपका कैसे, आप तो सीए कर रहे थे? हाँ,
तो दूध लाइन में कैसे आ गए आप? बड़ी बड़ी लाइन है। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंजिंग है। तो गाइस राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे होता है चारा प्रिपेयर गाय का। तो ये अलग अलग मटेरियल्स रखते हैं, जैसे ये मक्का रखता है, ये बिलौले की खल रखती है, मतलब 8 से 10 मटेरियल्स होते हैं। अच्छा हरा चारा, हरा चारा भी आप अपना उगाते हैं? ये अपना ये उगाते कहाँ हैं? इसी में। हाँ, इसी में से और दूसरे खेतों से यहाँ पे रुक गए हैं। नहीं, ये देखिए आप चारा कट रहा है हरा, और भूसा तो है ही है। भूसा आप ही बंद कर रखा है, है ना? दी ज़्यादा फीमेल कार्ड्स, ये यहाँ का फ्यूचर है। ये बच्चे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट आइए आपको दिखाते हैं कि जो ओरिजिनल मंदाकिनी मिल्क, जो मिल्क प्रोवाइड करता है, वो कहां से आता है। ये 2-3 ब्रीड्स। ओके, कौन-कौन सी? ये जो आप पूरी का फोर हेड है ना, ऐसा गोल है, हाँ। ये गिर है, अलग अलग कलर्स में है, ये ब्लैक टाइप में है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल कलर होता है, मैक्सिमम कलर इसी में। देन यू गॉट वन व्हाइट, ये साहिवाल, मतलब जैसे कह सकते हैं इनका फोरहेड जो है फ्लैट सा, इनका फोरहेड थोड़ा बल्ज्ड आउट। सो गाइस इनके पास गिर है, साहिवाल है, और कौन से? वन राठ। तो सारा इनका इन हाउस ही है सब कुछ, खाना गाय के चारे से लेके ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो ग्रीन पास्चर हो, चाहे ये अपना फूड इनका प्रोसेस्ड फूड जो बनाते हो। सो गाइस यहाँ दूध की पैकेजिंग होती है, आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये पैकेजिंग मशीन है। तो गाइज इनका मॉर्निंग डिलीवर होता है एक ही शिफ्ट, इवनिंग में ये दूध नहीं डिलीवर करते हैं।